वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाथी दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाथी कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। आई एम स्वाथी दिलीप, अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कैलिकट ऑफ एर्नाकुलम रीजन। सर कुड यू प्लीज गाइड अस on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads. Thank you sir. धन्यवाद स्वाथी। प्रधानमंत्री जी कृपया भाग्य लक्ष्मी जी दृष्टि और स्वाथी द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कॉम्पिटिशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए। लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी मां बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए, तो कभी उन दो भाई बहन में भी या दो भाई में भी या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया, एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था,
शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ दिव्यांग बच्चे उनकी एक कॉम्पिटिशन में सब दौड़ रहे हैं, 12-15 बच्चे अलग अलग, किसी दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में एक बच्चा गिर जाता है। अब ज्यादा बुद्धिमान लोग होते तो क्या करते, वाह ये तो गया, चलो यार एक तो स्पर्धा में कम हो गया। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, सबके सब जो आगे चले गए थे वो भी पीछे आए, जो दौड़ रहे थे वो भी रुक गए, पहले उन सब ने उसको खड़ा किया और फिर दौड़ना शुरू किया। सचमुच में ये वीडियो दिव्यांग बच्चों के जीवन का भले होगा, लेकिन हम लोगों को भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा संदेश दे देता है। अब तीसरा विषय है कि आपके दोस्त से आपको किस चीज की स्पर्धा है। भाई मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या, आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या, आपके लिए भी तो 100 है ना, तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है, खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है, एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप, अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्त ही नहीं बनाएंगे, आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए हमने, जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और तीसरा मां बाप के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मां बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता है, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं। तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके मां बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो मां बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं, जिनको अपने पराक्रम अपनी सफलताएं अपनी सिद्धियां के विषय में दुनिया को कुछ कहने को नहीं है, बताने को नहीं है, तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत नुकसान करता है। सचमुच में तो हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उसके अंदर अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज है, मेरी कम है, मेरे टीचर से ज्यादा अगर मेरा दोस्त मुझे मैथमेटिक्स में मदद करेगा तो वो मेरी साइकी समझ करके करेगा और हो सकता है मैं भी उसी की तरह मैथमेटिक्स में आगे जाऊंगा। वो अगर लैंग्वेज में वीक है और मैं लैंग्वेज में मजबूत हूं,
मैं अगर लैंग्वेज में उसकी मदद करता हूं तो हम दोनों को एक दूसरे की ताकत जोड़ेगी और हम अधिक सामर्थ्यवान बनेंगे। और इसलिए कृपा करके हम अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबें। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांटता है। मैंने ऐसे भी दोस्त देखे हैं कि जो बहुत अच्छे नंबर से आए हैं लेकिन दोस्त नहीं आया, इसलिए उसने अपने घर में पार्टी नहीं की, फेस्टिवल नहीं मनाया। क्यों? मेरा दोस्त पीछे रह गया। ऐसे भी तो दोस्त होते हैं। और क्या दोस्ती लेन देन का खेल है क्या? जी नहीं, दोस्ती ये लेन देन का खेल नहीं है। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती ना, वो स्कूलें छोड़िए जिंदगी भर आपके साथ रहती है। और इसलिए कृपा करके दोस्त हमसे ज्यादा तेजस्वी तपस्वी हमें चुनने चाहिए और हमेशा उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।